अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम डोरी पाइपिंग का फ्लावर बनाएंगे। तो ये देखें, इसके लिए ना हमने पहले डोरी पाइपिंग काट लेंगे। तो ये देखें, ये मैंने उरेब काटी है ना, तो आप भी जब भी ये काटें तो ऐसे उरेब काटा करें। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाई है ना, इसको बनाने का क्या तरीका है, कैसे हम आराम से बना सकते हैं, तो ऐसे मैंने ना ये पहले पाइपिंग बना ली हुई है। तो ये देखें, ये ना मैंने इसके ना ये पीस काट लिए हुए हैं, तकरीबन ना ये हैं 1.5 इंच के। ये देखें, ये 1.5 इंच के ना पीसीस मैंने काट लिए हैं। एक पर्पल है और एक पिंक है। तो ये देखें, एक हमने पर्पल लेना है और एक पिंक। इसको ना ऐसे गुलाई शेप में करके ना, तो ऐसे जैसे ये हमारे फ्लावर की पत्ती होती है ना, ऐसे गुलाई में ना ऐसे हमने टांके लगा लेने हैं। शुरू करते वक्त ना आप इसको अच्छी तरह से गिरा बांध के ना तो पक्का कर लें। तो ऐसे ही ना हमने इसकी ये पत्तियाँ बना लेनी है। तो ये ना मैंने 6 पत्तियाँ ऐसे बनाई हैं। तो ये देखिए, ये देखिए, इसको भी ना हम ऐसे पत्तियाँ बना लेंगे। अच्छी तरह से इसको आपने ऐसे करना है ताकि ये खुले ना। तो ये देखिए, ये हम बना रहे हैं पत्तियाँ। तो अब ये देखें, ये मैंने पत्तियाँ बना ली हुई हैं, ये 6 पत्तियाँ मैंने बनाई हैं। अब इसको ऐसे ना धागे को अच्छी तरह से ना खींच करना, ऐसे गोल शेप आपने दे देनी है। तो ये देखिए, ये मैंने गोल शेप दे दी है। तो एंड में ना इसको फिर अच्छी तरह से ऐसे आपने इसको धागे को पक्का कर लेना है। तो ये देखिए जी, हमारा फ्लावर ऐसे बन जाएगा। तो आपने 3-4 बार ना ऐसे निकाल के ना, तो ये देखिए जी, हमने फ्लावर बना लिया हुआ है। तो अपना पीछे से ना तकरीबन 3 बार इसको ऐसे गिरा बांध करना। तो ऐसे ना हम इसको पक्का कर लेंगे। तो ये देखिए जी, मैंने फ्लावर बना लिया है। तो अब ना हम इसको इस फ्रॉक के ऊपर लगाएंगे। तो फ्रॉक के ना सेंटर में मैंने ये फ्लावर लगाना है। तो ये देखिए, इधर हम ये फ्लावर लगा लेंगे। फ्लावर के ऊपर अगर आप कोई बटन वगैरह है तो वो लगा लें, कोई फैंसी बटन या कोई मोती वगैरह कुछ भी चीज़ आपके पास है ना तो वो लगा लें। तो बजाय इसके कि आप बाज़ार से महंगे फ्लावर वगैरह लें, तो ऐसे फ्लावर आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, फ्लावर की वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।